लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। महाराष्ट्र में आज 22 अप्रैल से संपूर्ण लॉकडाउन लग गया है। उद्धव सरकार ने सख्त प्रतिबंधों के साथ अधिसूचना जारी कर 15 दिनों तक सख्त लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। नई अधिसूचना के मुताबिक अब शादी समारोह में सिर्फ 2 घंटे और 25 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। नियमों का उल्लंघन करने पर 50,000 की पेनाल्टी देनी होगी। वहीं दुकानों, प्रतिष्ठानों और प्राइवेट बसों के संचालन को लेकर भी सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कानून का पालन नहीं करने पर 10,000 के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र सरकार अब कोरोना को हराने की जिद में अड़ गई है। आज से उद्धव सरकार ने ब्रेक द चेन अभियान के तहत 15 दिनों के संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया है। सख्त लॉकडाउन में शादियों में सिर्फ 25 लोगों के शामिल होने की अनुमति है। 2 घंटे में विवाह कार्यक्रम निपटाने होंगे। नियमों का उल्लंघन करने पर शादी परिवार को 50,000 की पेनाल्टी लगेगी, जबकि मैरिज हॉल कोरोना रहने तक सील हो जाएंगे। वहीं प्राइवेट बसों से यात्रा करने पर यात्रियों के हाथों पर स्टैंपिंग करनी होगी। सिर्फ अति आवश्यक कार्यों से जुड़े निजी कार्यालय खुले रहेंगे, हालांकि वहां भी सिर्फ 15% कर्मचारी से काम चलाना होगा। सरकारी बसों में केवल अति आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को यात्रा की परमिशन होगी। नियमों को भंग करने पर 10,000 की पेनाल्टी लगने वाली है। राज्य सरकार का मानना है कि ब्रेक द चेन के जरिए कोरोना संक्रमण रोकने में मदद मिलेगी। बता दें कि महाराष्ट्र देश का सर्वाधिक संक्रमित राज्य बन गया है। तमाम पाबंदियों के बाद भी जिस तरह यहाँ कोरोना बढ़ रहा है, उसने सरकार की नींद हराम कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।